दोस्तों, अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए, यानी कि यदि आप कोई यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो और उसके थंबनेल के लिए या वीडियोस के लिए जो है आपको एक फ़ोटो चाहिए, और वो भी पीएनजी के अंदर, यानी कि दोस्तों आप जो है पीएनजी के अंदर फ़ोटो ढूंढना चाहते हो, लेकिन आपको जो है वो फ़ोटो पीएनजी के अंदर नहीं मिल रही है। मतलब दोस्तों, अगर आप सिर्फ पीएनजी चाहते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं, यानी कि आप चाहते हो कि वो फ़ोटो जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यानी कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप सेट करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको वो फ़ोटो नहीं मिल रही है पीएनजी के अंदर, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसका यूज करके आप जो है किसी भी फ़ोटो को जो है पीएनजी फाइल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके प्ले स्टोर के अंदर और वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है बैकग्राउंड इरेजर। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड इरेजर, ये देखिए तीसरे नंबर पे जो है ये वाली, इसका लोगो वगैरह आप अच्छे से देख लीजिए, लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए इसका। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है, मेरे को इंस्टॉल, मैंने जो इंस्टॉल कर ली है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, तो इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यदि आपको जो फाइल जो है पीएनजी के अंदर बनानी है, उसको आपको एक कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, वो जो है अच्छे सी क्वालिटी में होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको पीएनजी फाइल बना सकते हो। और दोस्तों, यदि उसका बैकग्राउंड जो है एकदम क्लीन रहेगा, जैसे कि दोस्तों ये वाला, मान लीजिए इस फ़ोटो में देखिए आप शाहरुख खान की फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड जो एकदम पूरा वाइट है, तो इसको जो है अच्छे से मतलब पीएनजी फाइल ये बनेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अब जैसे ऑटो आपको सेलेक्ट करना है, आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है ये ऐसे कर देना, ताकि अच्छे से आपको लगे कि फ़ोटो जो है पीएनजी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, बस एक क्लिक में, ये देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बीच में थोड़ा, इसको भी एक यहाँ पे, ये वाला 2 3 4 और ये 5, ये देखिए बहुत कुछ हो गया है। अब ये यहाँ पे बीच में थोड़ा रह गया है ये यहाँ पे, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पीछे जाएंगे ऐसे, ऐसे जूम करके इसे जूम करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, तो देखा दोस्तों आपने, और थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये सारा, इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। वैसे तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं हम, ताकि ये पूरा ना हो। इसको जैसे मान लीजिए हो नहीं रहा है, तो इसको बैक, आप जो है यहाँ पे क्लिक दिया हुआ बैक कर सकते हो आप। तो दोस्तों देखा आपने, एक क्लिक में जो है आपकी फ़ोटो पीएनजी फाइल बन गई है, और आप इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हो ये। तो दोस्तों, ये आपकी फ़ोटो जो है पीएनजी के अंदर सेव हो चुकी है। अब मान लीजिए आपको जो है दोस्तों कोई, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल है, यानी कि थोड़ा मुश्किल से होगा, तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर लेना है ऐसे ऐसे। आप चाहते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो रहे और पीछे का बैकग्राउंड जो है नहीं रहे, तो इसको ऐसे करना है क्रॉप, और उसके बाद में ये ऐसे और ऑटो पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट हो रहेगा ये तो एकदम क्लीन हो जाएगा, ये देखिए जैसे क्लीन हो रहा है। और उसके बाद में अगर क्लीन नहीं होता है, तो ये मैजिक टूल है, इसको आप ऐसे फटाफट से करके बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हो रहा है आप बहुत ही आसान तरीके से। ऐसी एप्लीकेशन आपको शायद ही प्ले स्टोर के अंदर दूसरी कोई मिलेगी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है दोस्तों, ये देखिए, और फ़ोटो भी कट नहीं हो रही है, देखा आपने। तो इस फ़ोटो को जो है आप अपने कहीं और पे लगा सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड जो है चेंज जहाँ पे रहे, तो दूसरी एचडी फ़ोटो है उसके पीछे आप लगा सकते हो, बाग बगीचे झरने वहाँ पे, और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में ये फ़ोटो जो है कहाँ की है। ठीक है दोस्तों, आपने ये इसको क्लिक कर लिया, बाद में थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पर रहेगा तो ये आप जो है इसको फ़िल्टर कर सकते हो वैसे, और ये सेव। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही आसान तरीके से ये हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया, और ये एप्लीकेशन भी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।